अभी अंदर की तरफ जाते हैं। मैंने कैप उतार के जो है ना सर पे पट्टिया ओढ़ लिया है ताकि जो है ना ज्यादा इन लोगों को शक ना हो या कुछ इस तरह का, ऐसे आसानी रहता है। कैप वगैरह पे जो है ना ये बहुत घूरते रहते हैं जैसे मानो कहीं और से आया हो, तो इसलिए जो है कैप वगैरह उतार के अंदर की तरफ जा रहा हूँ। आप लोग देख पा रहे होंगे सारों ने जो है ना पट्टे शट्टे ज़्यादातर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, सर पे पट्टे किए हुए हैं। मेन जगह पे तो अभी आया है, टेंट शेंट लगाया हुआ है मैं, यानी साया का इंतज़ाम किया हुआ है। ओए होए 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 आप लोग देख पा रहे होंगे तो फाइनली अभी आ गया हूँ जलसे पे, आपको दिखाते हैं जलसा। ये आप देख पा रहे होंगे काफ़ी जो है ना रौनके शौनके, आप लोगों को मैं फुल डिटेल से अभी समझाता हूँ सारा। किराया शराया दे दूँ इनको तो दोस्तों 70 रुपये किराया दे दिया है आने का, पर अभी जा रहा हूँ अंदर की तरफ। आप लोग देख पा रहे होंगे लोग जा रहे हैं, जमात आई हुई है। ये जगह जोजान शुबरखान साइड पर वाक़ है, ठीक है, प्रोविंस जोजान में शामिल है। अभी जा रहा हूँ अंदर की जानब, बाकी इस साइड पे आप लोग देख पा रहे होंगे खैमे शेमे भी लगे हुए हैं। सुनने में आया है 10 लाख लोग यहाँ पे शमूलियत हासिल कर रहे हैं, यानी 10 लाख लोग यहाँ पे इनवाइटेड है, और मैं भी आया हुआ हूँ आप लोगों को वीडियो बनाने के लिए। अभी जो है ना वीडियो शीडियो बनाते हैं, अभी अंदर का सीन भी आप लोगों को दिखाता हूँ क्या सूरत हाल है। इस साइड पर ऐसे सिक्योरिटी गार्ड भी है, तालिबान की गाड़ी, अभी जा रहे हैं अंदर की तरफ। इस साइड पे पानी का इंतजाम भी किया हुआ है इन्होंने, और उस साइड पे पानी सप्लाई भी कर रहे हैं, पानी भी पी लिया। और यहाँ पे जो है ना खैमा क्लिनिक है, ऐसा क्लिनिक भी यहाँ पे क्लिनिक रखा हुआ, ठीक है, एहतियात के लिए जो है ना यहाँ पे क्लिनिक वगैरह है। तो अभी मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ और भी मज़ीद जो है ना मज़े की चीज़ें कैप्चर करने के लिए। यहाँ पे शॉप वगैरह का भी इंतज़ाम किया हुआ, खैमे जो है ना खैमे शैमे लगा के दुकान आई हुई है, यहाँ पे दुकान शुकान लगाया हुआ है लोगों ने। तो आज जो है ना दूसरा दिन है, कल मैं आया था लेकिन जो है ना ये जगह जो है ना नहीं ढूंढ पाया और वापस चले गया, और आज दूसरे दिन दोबारा आया हूँ गाड़ी पर, साथ जो है ना मेरे लोग भी हैं। तो अभी अंदर की तरफ जाते हैं। मैंने कैप उतार के जो है ना सर पर पट्टिया ओढ़ लिया है ताकि जो है ना ज़्यादा इन लोगों को शक ना हो या कुछ इस तरह का, ऐसे आसानी रहता है। कैप वगैरह पे जो है ना ये बहुत घूरते रहते हैं जैसे मानो कहीं और से आया हो, तो इसलिए जो है कैप वगैरह उतार के अंदर की तरफ जा रहा हूँ। आप लोग देख पा रहे होंगे सारों ने जो है ना पट्टे शट्टे ज़्यादातर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, सर पे पट्टे किए हुए हैं। ये रशिया की गाड़ी एज अ टैंकर यानी पानी सप्लाई के लिए इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, ये ना लोटे वगैरह भरने के लिए, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। तादाद तो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है यार। सड़ पे जो है सारे ये खेमे बाथरूम एज अ पर्दा जो है ना करके यहाँ पे बाथरूम बनाया हुआ है। 3 दिन का इज्तमा है, 3 दिन के लिए सारा इंतज़ाम किया हुआ है इन्होंने, पानी भी मौजूद है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान कंट्री है और नमाज के लिए वज़ू के लिए जो है ना पानी शानी का भरपूर इंतज़ाम किया हुआ है। अभी वज़ू शुजू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। माशाल्लाह ब्रदर आप तो बहुत दोनों जा रहे थे। असल में ये 3 दिन के लिए इज्तमा है, लोग बिस्तर वगैरह भी ला रहे हैं रात को यहाँ पे रहने के लिए, स्टे करने के लिए। ये आप लोग देख पा रहे होंगे बिस्तर वगैरह भी लेके आ रहा है। अभी यहाँ पे रेस्क्यू वाले हैं, मैं आप लोगों को दिखाते हैं धूल मिट्टी को जो है ना दूर करने के लिए पानी शानी स्प्रे पानी शानी मार रहा है इस पर। Thank you.
मेन जगह पे तो अभी आया है, टेंट शेंट लगाया हुआ है मैं, यानी साया का इंतज़ाम किया हुआ है। ओए होए 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 होए, आप लोग देख पा रहे होंगे, अंदर तो काफी तादाद है लोगों की यार। वो सामने तालिबान भाई साहब आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो रात को यहाँ पे स्टे किए थे इन्होंने। आज दूसरा दिन है इन लोगों का, मेरा पहला दिन है, इन लोगों का दूसरा दिन है, इन्होंने रात को स्टे किया था यहाँ पे। अभी चल रही है गश्त वगैरह, तो अभी मैं टेंट के अंदर से बाहर आ गया हूँ, जुमे की नमाज भी पढ़ ली है और आप लोग व्यू चेक कर पा रहे होंगे, अंदर से जो है ना लोग बाहर निकल के आ रहे हैं, काफ़ी क्राउड है, मुझे लगता है कि कम से कम 3 से 4 लाख लोग आए होंगे, काफ़ी तादाद है, तादाद इनकी बहुत ज़्यादा है, हर तरफ आप लोग देख पा रहे होंगे। अभी जो है ना कुछ खाने पीने के इंतज़ाम में लगे हुए हैं लोग, देखते हैं खाने पीने में क्या है। ये हज़रात लोग अपने हाथों में तरमाज लेके आए हुए हैं ग्रीन टी के लिए, चाय शाय पियेंगे अभी। वो वहाँ पे खाना मिल रहा है दुकान समझो या कैंटीन, यानी वहाँ कैंटीन से रोटी लेके आते हैं, यहाँ पे जो है ना दस्तरखान बिछा हुआ है, आप लोग यहाँ रोटी खा सकते हैं। अभी देख के आता हूँ, देख के आते हैं क्या क्या बना हुआ है खाने में, पुलाव और लोबिया है, पुलाव पुलाव। यहाँ पे तो बहुत रश है, नंबर ही नहीं आ रहा, लगता है भूखा रहना पड़ेगा। पहले पर्ची लेके आना, उसके बाद खाना मिलेगा, अभी पर्ची लेके आता हूँ। खाने के लिए गया हूँ तो रोटी के लिए गया हूँ तो कहता है कि टिकट लेके आओ, टिकट वो सामने मिल रहा है, टिकट के लिए जा रहा हूँ अभी, टिकट लेके आते हैं। ये साइड पे टिकट की लाइन लगी हुई है, ये सारे ठीक है, यहाँ पे टिकट मिल रहा है, ये सारे 1, 2, 3, 4, 5 खेमे बने हुए हैं टिकट के लिए। मुझे लगता है किसी में भी नंबर नहीं आने वाला, किसी में भी नंबर नहीं आने वाला, बाकी आप लोग क्राउड चेक करें, सुन रही नहीं है। फाइनली बहुत मुश्किल से जो है ना पर्ची ले ली है, पर्ची में लिखा हुआ है ब्रेंच यानी पुलाव, अभी खा के आता हूँ पुलाव। अभी वहाँ पे जो है ना दूसरे जगह पे नंबर लगा हुआ है, नंबर पे खड़ा होके ये पर्ची दूंगा, उसके बाद रोटी आएगी यानी पुलाव आएगा। अभी जा रहे हैं उसके पीछे, एक रोटी और ये पुलाव की प्लेट 40 रुपये में, अभी अभी ली है तो अभी खाता हूँ, इसमें मैं करता हूँ। जो ही रोड क्रॉस करेंगे इस साइड पे आप लोगों को देखने को मिलेगा बाइक पार्किंग, और यहाँ पे कार पार्किंग है ठीक है, वो काफ़ी तादाद में कार पार्किंग है। उस साइड पे बसों की है ठीक है, बसें भी आई हुई हैं बहुत सारी, दूर दूर से लोग आए हुए हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। अभी मैं अंदर एंटर हुआ हूँ पार्किंग के अंदर, इस साइड पर चेकिंग वगैरह है, टिकट वगैरह सारे ले रहे हैं, यानी जो है ना चोरी वोरी ना हो, ये सारे इम्कान सुनने को ना मिले। बाकी साइड पे देखिए आप लोग बाइकों की पार्किंग इन्होंने इस साइड पे रखा हुआ है, बाकी बसों की है उस साइड पे, ये सारे हैं। तो मुझसे जितना हो सका मैंने आप लोगों को गाइड करने की कोशिश की है, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना।
आपको पता है कि आपका भाई ऐसे ही अफगानिस्तान के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए पेश कर रहा है। तो चैनल में जो हजरात नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना और मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।